सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज आम आदमी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है और आज जम्मू कश्मीर की राजनीति से जुड़े हुए तमाम मजबूत वहां के नेता, पूर्व मंत्री, पैंथर्स पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ दुर्गेश पाठक जी जो वहां के प्रभारी हैं, कश्मीर के हमारे प्रभारी इमरान हुसैन जी जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, इन सब के प्रयास से और बातचीत के बाद आज श्री हर्षदेव सिंह जी जो 3 बार विधायक रहे जम्मू कश्मीर के, 18 वर्षों तक एमएलए रहे क्योंकि वहां 6 साल की विधानसभा होती थी और शिक्षा मंत्री रहे। पैंथर्स पार्टी आप लोगों ने सुना होगा, वहां की सरकार में भागीदार थी 2002 से 2005 तक। 3 वर्षों के अपने कार्यकाल में आजादी के बाद से लेकर 2002 तक जितने स्कूल नहीं बने जम्मू एंड कश्मीर में, उससे ज्यादा स्कूल इन्होंने 3 वर्षों के कार्यकाल में बनाए। 22 डिग्री कॉलेज बनाया, 11,000 स्कूल बनाए और हार्वर्ड जैसी संस्था ने इनको वहां के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। एक ऐसे शिक्षा मंत्री, एक ऐसे लेजिस्लेटर, एक ऐसे विधायक, एक ऐसे मंत्री जिनको वेस्ट विधायक, एक सबसे सर्वोच्च विधायक, सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में भी सम्मानित किया गया। तो आज ऐसे व्यक्ति हर्षदेव सिंह जी जो पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, वो आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इनके साथ साथ राजेश जी जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं पैंथर्स पार्टी के, गगन प्रताप सिंह जी जो वहां के प्रदेश के सचिव हैं पैंथर्स पार्टी के, पुरुषोत्तम जी जो राज्य के सचिव हैं पैंथर्स पार्टी के, और सुदेश डोगरा जी जो दिल्ली की पैंथर्स पार्टी की हेड हैं, ये तमाम लोग आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होके, अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली मॉडल शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे जो उन्होंने अनुकरणीय काम करके दिखाया है, इन मुद्दों से प्रभावित होके आज ये सारे लोग आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं फिर से एक बार इस परिवार में इनका हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आगे आपको और कुछ बातें दुर्गेश जी बताएंगे। आप इधर आ जाइए, पहले बुलवा लें, फिर पहले शामिल कर लें।
हमारे बीच में मैं एक साथी का परिचय कराना भूल गया था, गौरव जी भी हैं जो अभी नवनियुक्त प्रभारी बनाए गए हैं, सलाउद्दीन जी भी प्रभारी बनाए गए हैं वहाँ के, जम्मू कश्मीर के, कश्मीर और जम्मू के अलग अलग क्षेत्रों के हमारे प्रभारी बनाए गए हैं। तो मैं अब निवेदन करूँगा हसदेव सिंह जी से कि आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल होने को लेकर उनके क्या विचार हैं, क्या सोच है और आगे कैसे काम करेंगे, वो अपनी बातें रखें। सबसे पहले तो मैं संजय सिंह जी का धन्यवाद अदा करता हूँ जिन्होंने हमें मौका दिया आम आदमी पार्टी में शामिल होने का और साथ मिलकर काम करने का। मैं दुर्गेश जी का धन्यवादी हूँ, इमरान हुसैन साहब का, गौरव जी का, सलाउद्दीन जी का, जिन्होंने अपना कीमती टाइम यहाँ निकाला और हमारी सारी टीम को आम आदमी पार्टी में शामिल किया। जो काम आम आदमी पार्टी ने किया है उसका चर्चा पूरे हिंदुस्तान में आज की तारीख में हो रहा है, जो एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, खास तौर पर बिजली और पानी जैसी सुविधाएं देने में जो रोल रहा है केजरीवाल जी की तमाम टीम का, उसकी सराहना जो है वो हर तरफ हो रही है। और जम्मू कश्मीर में भी जरूरत है इस बात की, इसी किस्म का रेवोल्यूशन वहां भी आए और जम्मू कश्मीर के लोग जो मूलभूत सुविधाओं से कई अरसे से वंचित हैं उनको भी वो तमाम सुविधाएं मिल सके, भ्रष्टाचार का खात्मा हो सके और एक गुड गवर्नेंस जो हम अक्सर किताबों में ही पढ़ते हैं और जो यहां दिल्ली में इन्होंने करके दिखाया है वो गुड गवर्नेंस जम्मू कश्मीर को भी मिल सके और जम्मू कश्मीर की तमाम समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब एक अच्छी सरकार वहां आए, भ्रष्टाचार खत्म हो और लोकराज सही मायने में स्थापित हो सके, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करके दिखाया है। तो मैं एक बार फिर से संजय सिंह जी आपका और तमाम जितने भी यहां पार्टी के सीनियर लीडर्स आए हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई प्रश्न है तो आप लोगों के कोई प्रश्न? चेयरमैन रहे पैंथर पार्टी के, स्टेट स्टेट हमारी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में चेयरमैन हेड होता है पार्टी का। कोई प्रश्न? प्रदेश अध्यक्ष वहां हम लोग क्या इधर कहते हैं, वो चेयरमैन है इधर के। आप लोगों के कोई सवाल हो? बंदा कुछ बोलना चाहता है? नहीं बताइए। पक्का पे पूरी राजनीति हो रही है और आज भाजपा के तमाम नेता मिलने जा रहे हैं, गोवा के सीएम मिलने जा रहे हैं। देखिए कल पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक बार अपना चेहरा बेनकाब किया और साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी गुंडे, लफंगों और दंगाइयों की पार्टी है। कल पूरी बीजेपी ने साबित कर दिया, उनकी टॉप लीडरशिप ने साबित कर दिया कि वो गुंडों के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। बग्गा जो एक सीरियल ऑफेंडर है, सुप्रीम कोर्ट के परिसर में घुसकर चैंबर में प्रशांत भूषण जी को उन्होंने 2011 में उसने पीटा मारा, जिस व्यक्ति ने बंगाल में हिंसा फैलाने में जिसके विरुद्ध मुकदमा है, दिल्ली में नफरत फैलाने को लेके मुकदमा है, पंजाब में मुकदमा है, यानी बंगाल से लेके पंजाब तक जो आदमी नफरत और हिंसा फैला रहा है,
ऐसे व्यक्ति के पक्ष में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई। तो बीजेपी ने फिर से अपने आप को पूरे देश के सामने साबित किया कि वो गुंडे, लफंगों और दंगाइयों की पार्टी है और गुंडों को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप मुझे बताइए, जो लोग उन्नाव के बलात्कार करने वाले विधायक के साथ खड़े होते हैं, जो लोग नोएडा में अभी बलात्कार करने वाले के साथ थाने में पहुंच के प्रदर्शन करते हैं छुड़वाने के लिए, जो लोग कठुआ के अंदर 8 साल की बच्ची का बलात्कार करने वाले के बलात्कारियों के पक्ष में 3-3 मंत्री तिरंगा लेके निकलते हैं, ऐसे लोगों से आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये कोई देश के सामने विकल्प दे सकते हैं, कोई स्वस्थ राजनीति कर सकते हैं? और कल से मैं भाजपाइयों को देख रहा हूं, कह रहे पुलिस का दुरुपयोग हो गया, पुलिस का दुरुपयोग हो गया। पुलिस के दुरुपयोग के बारे में भाजपाई बोलते हैं तो लगता है डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। जिन लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा, उप मुख्यमंत्री के घर पे सीबीआई का छापा मारा, स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर सीबीआई छापा मारा, हमारे तमाम मंत्रियों पे छापे मारे और 35-35 विधायकों को पकड़ के अपमानित करके जेल में गिरफ्तार करके डालने का काम किया, और यहां तक कि सोमनाथ भारती का एक कुत्ता था उसको पकड़ने के लिए 40 दिल्ली के पुलिस वाले गए थे। ये लोग पुलिस के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं। एक दिन में 9 FIR किया आदित्यनाथ जी ने मेरे ऊपर, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया, पार्टी का दफ्तर खाली करा दिया, 23 मुकदमे अब तक किए मेरे ऊपर। ये लोग पुलिस के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे अधिक अगर किसी ने पुलिस का दुरुपयोग किया है, अगर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और ऐसे सीरियल ऑफेंडर को बचाने का काम कर रहे हैं, जो आदमी बंगाल से लेके और दिल्ली से लेके और पंजाब तक में नफरत फैलाने का काम करता है दिन रात। तो मुझे शर्म आती है कहते हुए कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी गुंडे और लफंगों की पार्टी बनती जा रही है। यह बहुत ही शर्मनाक स्थिति है भारतीय जनता पार्टी। प्री प्लान कैसे था मुझे बताइए। एक आदमी जो अपराधी है उसको 5-5 नोटिस भेजती है पंजाब की पुलिस कि आइए और जांच में सहयोग कीजिए, जांच में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए, 5-5 नोटिस भेजती है। वो कहता हम तो कानून से ऊपर है, हम भाजपा वाले हैं, कैसे तुम बुला लोगे, नहीं आता। फिर वो जाता है हाईकोर्ट, हाईकोर्ट में कहता है हुजूर हमारी अरेस्ट पे रोक लगा दीजिए। हाईकोर्ट कहता है नहीं, तुम सीरियल ऑफेंडर हो, उसको अरेस्ट पे रोक नहीं मिलती। हाई कोर्ट से रोक नहीं मिलती, 5-5 नोटिस मिलती है, पुलिस वारंट लेके आती है, जनकपुरी थाने में सूचना देती है, और किस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए बताइए आप। हिंदुस्तान की धरती पे कौन सा ऐसा नियम है जो पंजाब पुलिस ने फॉलो नहीं किया इसकी गिरफ्तारी में, आप बताइए। लेकिन गुंडों को क्योंकि सपोर्ट करना है इसलिए किसी भी हद तक जाने की बात है, इसमें और क्या कहा जा सकता है। बीजेपी का असली चेहरा ही अब आने दीजिए, तो सोमवार को उस पर सुनवाई फिर से होगी, हाईकोर्ट का जो फैसला आएगा उसको मानेंगे। देखो एक बात समझो आप, गोवा के सीएम मिलने जा रहे हैं, कब मिलने जा रहे हैं? मुझे तो आश्चर्य है कि अमित शाह अब तक क्यों नहीं मिलने गया। अमित शाह को मिलने जाना चाहिए भाई, जो पार्टी ही दंगे और गुंडई में स्पेशलाइज्ड है उसमें तो अमित शाह को मिलने जाना चाहिए। गोवा के सीएम को तो स्टेटस कम है उसको जो भेज रहे हैं, अमित शाह को खुद जाना चाहिए। भले ही अमित शाह दंगे फसाद नफरत फैलाने का काम करे, कहीं विजयी हो तो खाली होके जाए टाइम निकाल के। आप बताइए, ऐसे आदमी को बचा रहे हैं जो बंगाल से लेकर पंजाब तक हिंसा नफरत फैलाने का काम करता है, उसको ऐसा महिमा मंडित किया जा रहा है जैसे पता नहीं किस महापुरुष के खिलाफ पंजाब पुलिस कार्रवाई कर रही थी। सर, धार्मिक भावनाओं को भी आहत करने का आरोप लगा, बहुत सारे आरोप है इसके खिलाफ। आप इसके अगर पूरे हिस्ट्री में जाएंगे, इसकी हिस्ट्री सीट अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी ये लगेगा कि एक ऐसे शर्मनाक व्यक्ति को बचाने का काम पूरी की पूरी बीजेपी की लीडरशिप कर रही है और साबित कर रही है बीजेपी
कि दुनिया की सबसे बड़ी गुंडे लफंगों की पार्टी है बीजेपी। देखो मैं ओहो आप किसी भी चीज पे आश्चर्य मत कीजिए, किसी दिन हो सकता है हमारी गाड़ी तोड़ दे, बिल्कुल आश्चर्य मत कीजिएगा। किसी दिन हो सकता है सीएम के घर पे जैसे पिछली बार तोड़फोड़ किया था, आज 3:30 बजे आप बता रहे हैं वहां फिर से तोड़फोड़ कर दें। भाजपा वाले किसी भी प्रकार की गुंडई करें, किसी को आश्चर्य हो सकता है, मुझे आश्चर्य नहीं होगा। कभी हो सकता है गोली चला दें हम लोगों के ऊपर, कई बार यही काम है इनका, दिन रात यही करेंगे, इसमें घबराने की बात नहीं है। वो इसी के लिए बने हैं, उनको दिन रात गुंडई करना है। कभी सीएम के घर पे गुंडई करेंगे, कभी हमारे घर पे गुंडई करेंगे, कभी कहीं और गुंड, जो जब दिन रात उनका काम ही यही गुंडई का है तो करेंगे रोज गुंडई। संजय जी, आदेश गुप्ता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को सारी सुविधाएं दे रही, उन्हें संरक्षण दे रही अपने वोट बैंक के चलते। तो आदेश गुप्ता क्या कर रहे हैं? आदेश गुप्ता को जाके अमित शाह घर के सामने धरना देना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आदेश गुप्ता ये कह रहे हैं कि अमित शाह बहुत ही नाकारा व्यक्ति है, उसने बांग्लादेशी घुसपैठियों पे अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। अब बताइए संजय सिंह उसमें क्या करे? आदेश गुप्ता को जाके अमित शाह के यहां बैठना चाहिए कि तुम नाकारे हो, 8 साल से कुछ किया नहीं तुमने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ? मोदी जी के घर पे जाके बैठना चाहिए आदेश गुप्ता को? बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए? 5 साल से वहां चला रहे हैं योगी की सरकार, 8 साल हो गया केंद्र में सरकार है, कई राज्यों में तुम्हारी सरकार, अभी भी रोना रोते हो बांग्लादेशी घुसपैठिया? अरे कार्रवाई कौन करेगा? तुम तो करोगे, पता किया तुमने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए? मैंने पार्लियामेंट का जवाब दिखाया था, खुद लिख के दिया है भाजपाइयों ने कि हमें नंबर ही नहीं पता कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हिंदुस्तान में। तो ड्रामेबाजी, एक ड्रामा कंपनी भाजपाइयों को खोल लेना चाहिए, दिन रात ड्रामा करें, पूरा देश कम से कम एंटरटेनमेंट लेगा। ये लोग कैसी कैसी, किससे मांग कर रहे हो तुम? बांग्लादेशी घुसपैठिए उड़ के आ गए दिल्ली में, बॉर्डर की सुरक्षा किसके पास है? 8 साल से किसके पास है बॉर्डर की सुरक्षा? देश की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी मोदी अमित शाह के पास है। आदेश गुप्ता को कहना चाहिए कि मोदी जी और अमित शाह देश के सबसे नाकारा नेता है, 8 साल में इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कोई कार्रवाई नहीं की, और आदेश गुप्ता अनशन करेंगे अमित शाह के खिलाफ। कहें हाथ उठाना, उठा लो भाई।